أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته आज फिर एक नया दिन एक नई सर्दी खूबसूरत दिन के आगाज़ के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर इस उम्मीद के साथ कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा और अच्छाइयों के साथ इंशाल्लाह गुजरा होगा और सब खैर आफियत होगी इंशाल्लाह ताला और बीमार सारे शिफा पा रहे होंगे और शिफा पाएंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम पर अपना खुसूसी रहम करम फजल फरमाए कि हम हर एक के लिए अच्छाइयाँ फिर से सोचते रहें इंशाल्लाह ताला और एक दूसरे को दुआएं देते रहें। अच्छा आज की जो मैं नात आपको सुनाऊंगा ये ख़ास उन लोगों के लिए है जो अब तक मक्का मदीना जा नहीं सके। अल्लाह का लाख करोड़ शुक्र है कि मैं दो बार जा चुका हूँ इंशाल्लाह और उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह पाक मुझे फिर बार बार बुलाएगा। कम से कम साल में दो बार तो जाना चाहिए, नहीं तो एक बार ज़रूर जाना चाहिए। और ये जो है सिर्फ वही जा सकते हैं जिनका बुलावा आता है और जब बुलावा आता है तो सारा इंतज़ाम खुद ब खुद हो जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं दो बार गया हूँ, एक बार दुबई से बाय रोड और एक बार फैमिली के साथ पाकिस्तान अपने बोल अपने शहर से और फिर जाने की उम्मीद रखते हैं हम सब इंशाल्लाह। अल्लाह पाक खैर आफियत से हमें पहुंचा दे। मुझे एक शेर याद आ रहा है वो आपके साथ शेयर करूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने जाऊं आऊं फिर से जाऊं मदीने जाऊं आऊं फिर से जाऊं मदीने जाऊं आऊं फिर से जाऊं खुदा ता उम्र रखे इस सफ़र में खुदा ता उम्र रखे इस सफ़र में जगला। तो ये नात मैंने शेर याद आ गया था उसके हवाले से पढ़ लिया कि बार बार जाने की यानी हाज़िरी इसी तरह से होती है। तो मैं नात शुरू करता हूँ अपनी। अल्लाह सुबहाना ताला मेरा पढ़ना आपका सुनना इसे कबूल फरमाए अपनी बारगाह कबूलियत में इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लजबान नबी मेरे दर्दा दी दवा देना लजपाल नबी मेरे दर्दा दी दवा देना लजपाल नबी मेरे दर्दा दी दवा देना जदो वक्त नज़ा आवे जदों वक्ते नज़ा आवे दामन दी हवा देना जदों वक्ते नज़ा आवे दामन दी हवा देना मैं नात तेरी पढ़दा का मैं जिक्र तेरा करना मैं नात तेरी मैं
जिक्र तेरा करना, इस जिक्र दी बरकत नाल, इस जिक्र दी बरकत नाल मेरी कब्र वसा देना, इस जिक्र दी बरकत नाल मेरी कब्र वसा देना। दिल रोंदा है जान देने आका, जद लोकी मदीने नू, दिल रोंदा है जान देने मदीने नू, हुण सानू भी या आका, हुण सानू भी या आका दरबार दिखा देना, हुण सानू भी या दरबार दिखा देना। लजपाल नबी मेरे दर्दा दी दवा देना, जद वक्ते नजावे जज़ाक अल्लाह खैर। अल्लाह सुभान व तआला मेरी नात का पढ़ना आपका सुनना कबूल फरमाए अपनी बारगाह कबूलियत में इंशाअल्लाह ताला, और हम इसी तरह से अल्लाह सुभान व तआला के महबूब पर दुरूद भेजते रहें, पढ़ते रहें और अल्लाह सुभान व तआला की हम्द व सना करते रहें, अच्छाइयों का और नेकियों का सिलसिला जारी रखें, किसी को दुख ना दें, कोई ऐसा अमल कौल और फेल ना हो हमारा कि जिससे किसी की दिल आज़ारी हो या हमारे लिए वो कुछ ऐसा सोचेंगे ये किस तरह के लोग हैं। हम पर अपना खुसूसी रहम करम फजल फरमा अल्लाह सुभान व तआला। इसी उम्मीद के साथ कि आपका दिन आज भी अच्छा गुजरेगा जिस तरह से गुज़िश्ता दिन गुज़र रहे हैं और आगे भी अच्छे गुजरेंगे, नेकियों को बढ़ाते जाएं, शुक्र करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, शुक्र करते जाएं, आगे बढ़ते रहें। अल्लाह सुभान व तआला हम सब पर अपना खुसूसी रहम करम फजल फरमाए। इसी उम्मीद के साथ कि कल फिर इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे भी ख़ास अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह सुभान व तआला हम सब पर अपना खुसूसी रहम करम फजल फरमाए और हम पर अपना खुसूसी जितना भी हम पढ़ सकते हैं वो पढ़ें, ताकि अल्लाह सुभान व तआला हम पर अपना खुसूसी रहम करे, मज़ीद फरमाता रहे और लोगों को यकीन करते रहे। कभी किसी के लिए बुरा ना सोचें, अगर हमारे लिए कोई बुरा कर रहा है तो उसके लिए ये दुआ करनी है कि अल्लाह सुभान व तआला इसको नेकी की हिदायत दे या जो भी कर रहा है उसको। तो कल फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नए दिन एक नई सुबह के साथ। अल्लाह सुभान व तआला हम सब पर अपना खुसूसी रहम करम फजल फरमाए और इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।